Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. सबसे पहले हम लोग फेसबुक पे मिले थे एंड इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी थी एंड इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट की भेजी थी. आई एक्सेप्टेड इट एंड फिर हमने बातें करी, चैट्स की एंड देन आफ्टर लाइक 10-15 डेज मैं मुंबई आई थी एंड ये मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट एंड इट वाज लाइक अ लव एट फर्स्ट साइट फॉर मी. तो हम तभी पहली बार मिले थे और फिर लाइक विद इन अ वीक इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया था और विद इन 15 मिनट्स मैंने हाँ बोल दिया था. फर्स्ट वैलेंटाइन्स हमने बनाया था शिरडी में. हम लोग बहुत हमने ब्लेसिंग्स हम लोगों ने सोचा कुछ अलग करते हैं जो दूसरे कपल्स करते हैं वैसा कुछ नहीं करते हैं बिकॉज विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स ऑलमाइटी एंड आवर फैमिली हम कुछ भी नहीं है. सो बिकॉज फैमिली को शायद पता नहीं था राइट पहले वैलेंटाइंस के वक्त पता था बट मैं आई थॉट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट लेट्स गो टू शिरडी एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी ऑन द वैलेंटाइंस डे. इससे जेन्युइन तरीका मेरे पास नहीं था मेरा प्यार इजहार करने के लिए ऑन वैलेंटाइंस ऑन आवर फर्स्ट वैलेंटाइंस डे. जब भी बाहर जाना होता मैं है रेडी होती हूं. मुझे वेट करना पड़ता है बिल्कुल भी नहीं. हाँ मुझे वक्त लगता है रेडी होने में लेकिन हम दोनों की अगर बात करें तो मैं पहले रेडी होता हूँ. हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक दूसरे की सजेशन लेते हैं. मैं अपने कपड़े अप्रूव करवाता हूँ पूनम से जब मैं श्योर नहीं होता हूँ तब और पूनम हमेशा अप्रूव करवाती है अपने आउटफिट्स मुझसे जो कि अच्छी बात है. आई अप्रिशिएट दैट कि आपका पार्टनर आपको कैसा देखना चाहेगा या फिर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की कैसी दिखनी चाहिए एक ओकेशन के लिए और एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लड़का कैसा दिखना चाहिए ओकेशन पे. तो हम लोग दोनों हेल्प करते हैं एक दूसरे को. स्लीपिंग पर्सन पूनम है. हाँ शी इज अ स्लीपिंग ब्यूटी. बहुत बहुत सोती है. बेसिकली मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है क्योंकि ये सरप्राइज रखने नहीं देती तो मैं पहले से बता देता हूँ या पूछ देता हूँ कि बताओ आपको क्या चाहिए. आपका बर्थडे आ रहा है ना बताओ आपको क्या चाहिए. अच्छा वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना आपको बताओ क्या चाहिए. तो जो भी ये बोलते हैं मैं उनको वही यू नो लेके देता हूँ. सबसे पहले फाइट करने के बाद सॉरी मैं बोलता हूँ. हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बोलता हूँ और आई थिंक हर लड़की को ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि लड़कियाँ डेलिकेट होती है लड़कियाँ सेंसिटिव होती है लड़कियों को पैम्परिंग अच्छी लगती है. तो हर वो लड़का जो ये वीडियो देख रहा है मेरी बात ध्यान से सुनिए. ईगो को बीच में मत लाओ. अगर आपकी गलती हो या ना हो अगर आप लाइफ में सुखी रहना चाहते हो सॉरी बोल के आगे बढ़ो. सबसे पहले थैंक यू एंड मुझे ऐसा लगता है सी मैं भी सॉरी बोलती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियाँ सॉफ्ट होती हैं या वो लड़कियाँ सॉफ्ट होती है सेंसिटिव होती है. हाँ ठीक है मैं मानती हूँ लड़कियाँ थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं बट लड़कियाँ स्ट्रांग भी होती हैं इसीलिए मैं भी सॉरी बोलती हूँ. सो ऐसे मान उस तरफ मैं गया ही नहीं हूँ. ऑफकोर्स लड़कियाँ स्ट्रांग होती है बट ये लड़कों से ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट होती है और वो ना कोई गलत बात नहीं है. पॉइंट है कि लड़कियों को अच्छा लगता है डेलिकेट. हाँ ड्राइविंग मुझे बहुत पसंद है बट मैं थोड़ा सा मूडी हूँ. कभी कभार जब मुझे ऐसा होता है कि आज यू नो जिम भी नहीं जाना आज शूट भी नहीं है आज बस चिल करना है तब मैं पूनम को कहता हूँ कि पूनम आज मैं ड्राइव नहीं करूँगा आज आप ड्राइव करो प्लीज़.
हाँ देन आई ट्राई. हमारा जो स्पेशल सॉन्ग है दैट्स आवर सॉन्ग, हमारा सॉन्ग है वो, क्योंकि उस सॉन्ग से हमारे रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई थी. सो बॉडीगार्ड फिल्म में सलमान खान करीना कपूर का जो सॉन्ग है आई लव यू, वो सॉन्ग है. दिल कहे क्या राज है जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू. आई लव यू.